हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप घर पर हैं और आपको नॉर्मल डेली का अपना मेकअप करना है तो किस तरीके का मेकअप होना चाहिए, क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा मेकअप थोप के नहीं रहना चाहिए। घर पे जितना अपने स्किन को आप सांस लेने दो खुल के खुली हवा में तो उतना अच्छा है। तो ज्यादा जो है मेकअप घर पे अप्लाई ना करें। अगर आप बाहर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट घर पे एटलीस्ट अपनी फेस पे जो है कम से कम मेकअप करने का ट्राई करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर पे जब होती हूँ तो मैं अपना मेकअप किस तरीके का रखती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। तो चलिए जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, जल्दी से मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ और मैं बताती हूँ मैं किस तरीके से अपना मेकअप करती हूँ। सो मैंने जो है कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है अभी, मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है अभी। फेस जो है मैंने वॉश कर लिया था और जरा सा लिप बाम मैंने अप्लाई कर रखा है और काजल जो है ना, ये काजल मैंने रिमूव कर लिया था। तो क्या कहते हैं, जो हल्का हल्का है वो रह गया फिर भी, तो मैं रीअप्लाई करके आपको दिखाऊंगी काजल। और तो चलिए जल्दी से मैं बताती हूँ मैं क्या यूज करती हूँ जब मैं डेली घर पे मेकअप करती हूँ। तो ये व्हाइट टोन फेस पाउडर के बारे में आपने सुना होगा ना, ये जो है इसमें आपको क्रीम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे टीवी में ऐड आती तो उनको तो अपने प्रोडक्ट का जो है वो करना ही है एडवर्टाइज, इसलिए बताते हैं। बट स्टार्टिंग में पाउडर ही आया था और मैं जब घर पे होती हूँ सिर्फ पाउडर अप्लाई करती हूँ। और ये व्हाइट टोन पाउडर जो है बहुत अच्छी खासी कवरेज दे देता है आपको, तो मैं इसको लेती हूँ इतना सा और इस तरीके से अपने फेस पे इसको रब करती हूँ, फैला लेती हूँ इस तरीके से। थोड़ी देर में जो आपके स्किन में अच्छे से समा जाता है और अच्छी खासी कवरेज देता है, इवन टोन देता है। तो ये देखिए, घर पे मैं कम से कम मेकअप करने की ट्राई करती हूँ क्योंकि हमारी जो स्किन है ना उसका सांस लेना बहुत जरूरी है। और मैंने अभी जो है अपनी आईब्रोज जो है वो बनवाई नहीं है, तो वो जस्ट इग्नोर इट। और बस ये हो गया फर्स्ट स्टेप और उसके बाद जो है मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो थोड़ी देर में जो है ना ये पूरा पाउडर जो है समा जाएगा मेरी स्किन में, कहीं पे से भी पैचेस नहीं दिखेंगे। और उसके बाद जो है मैं अपने काजल को जो है रिफिल कर लेती हूँ क्योंकि हल्का फुल्का तो रह गया था, एक्चुअली कहीं गई थी तो मैंने अप्लाई किया था। तो दोबारा से मैं इसको जो है डार्क कर लेती हूँ। तो काजल को तो हमेशा आपको जो है अप्लाई करके रखना है, चाहे आप घर पे हो या बाहर, वरना जो है आपकी आंखें जो है ना खराब दिखेंगी और साथ ही साथ ऐसा लगेगा कि आप कितने बीमार हो। अगर आपकी काजल लगाने की आदत है और आप काजल नहीं लगाते तो उस दिन आप देखोगे आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कितने बीमार हो। तो ये काजल जो है मैंने रीअप्लाई कर लिया है। ओके, तो मैं आईब्रोज वगैरह को फिल नहीं कर रही हूँ, आईब्रोज वैसे भी बन ही नहीं है और घर पे मैं इतना करती नहीं हूँ। और उसके बाद जो है मैं लिप बाम लगाऊंगी, रीअप्लाई करूंगी लिप बाम। ये ब्लू हेवन का लिप बाम है, मैं इस तरीके से इसको अप्लाई करके फिर इस तरीके से कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेती हूँ। इससे जो है लिपस्टिक अप्लाई करने में जो है इजी रहता है और हमारे जो लिप्स है वो स्मूथ तरीके से लग जाता है लिपस्टिक। और ये है लिप लाइनर, ये मेबलिन का है और इससे जो मैं आउटिंग करूंगी लिप्स की। तो ये आउटिंग हो गई और उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। लिपस्टिक मैं हाफ एंड हाफ की यूज कर रही हूँ। दैट्स इट, हो गया। और सिंदूर तो मैंने पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। तो इतना सा मेकअप मैं करती हूँ अगर मैं घर पे होती हूँ। और ये जो मेकअप है मैं आपको अभी अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो मेकअप जो है बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस पाउडर लगाना है, काजल लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, दैट्स इट, हो गया आपका। तो आज का जो ये मेकअप लुक है, आई होप आपको ये डेली मेकअप लुक है मेरा जो रेगुलर जब मैं घर पे रहती हूँ तो जिस तरीके का करती हूँ वो मेकअप लुक मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये पसंद आया होगा आपको। अगर ये लुक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरीके की और वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।